रिजल्ट वही है। तो बाबा ने कहा था, तब बाबा कहते ना, स्नेह का सबूत कौन सा है, तुम्हारा स्नेह है बाबा से 100%, इसका सबूत कौन सा है? तो कहते हैं फरिश्ता बनना, है नहीं? तो बाबा कहते हैं फरिश्ता कब बनेंगे, जब हम सूक्ष्म वतन वासी हो। तब बाबा कहते हैं अगर मेरे से स्नेह हो तो मेरे से मिलन मनाने के लिए कहाँ आओ, सूक्ष्म वतन में आओ, मेरे साथ खाओ, मेरे चलो, उठो, बैठो, मेरे साथ मिलन मनाओ। और सूक्ष्म वतन में अपनी दिनचर्या बिताएंगे तो हम क्या बने आएंगे, फरिश्ता। नेचुरल रूप में फरिश्ता बनना है, है नहीं? जैसे वतन में संदेशी जाती ना, अभी कोई संदेश लेने जाती, सो सबसे पहले वो क्या अनुभव सुनाती है कि हम गए थे और बाबा बहुत स्नेह की दृष्टि दे रहे थे और बाबा ने हमको अपनी बाहों में समा लिया। इस प्रकार से मिलन मनाओ जैसे साकार में मिलन मनाते। वतन में जाओ और वतन में जाते ही बाबा की गोद में समा जाओ, बस बाबा के ही गुणगान करते रहो, है नहीं? बाबा से प्यार से बातें करते रहो। अपना कोई फिजिकल योग नहीं है कि हम केवल देखते रहें, लेकिन भक्ति मार्ग में भी होता ना, लोग क्या करते हैं, देवियों के आगे पूजा, देवताओं के आगे सामने जाते हैं, उनसे भी बातें करते हैं, हम ऐसे हैं, ये हैं, उनको भी अपनी बातें सुनाते हैं। तो अपना प्रभु मिलन, हमारा जो प्यार का कोई बहुत जिससे प्यार है वो मिल जाए और रात में भी साथ में रहे, तो रात भर क्या करेंगे, बातों में नींद भी फिट जाएगी, है नहीं? और बातों का कोई वो होगा कि ये बात करनी नहीं, इधर उधर की कोई भी बातें करते रहें। तो ये प्रभु मिलन है। और इसमें हम क्या करें, बाबा से जितना इसमें बाबा हर प्रकार की कंप्लेन सुनने के लिए, सब चीज़ सुनने के लिए बाबा रेडी है। तो खूब बाबा से बातचीत करो, उसकी गोद में समाओ, उसके कन्नों पे बैठो, उसके साथ विश्व की प्रार्थना करो, है नहीं? तो इस प्रकार से बाबा से मिलन मनाते मनाते और हम क्या दे की शुद्ध बुद्ध भूल जाए, जैसे कि मिलन मनाते मनाते हम यहाँ नहीं लेकिन हम बाबा के पास में ही बैठे हुए हैं, बाबा की गोद में हैं, बाबा की याद में हैं, बाबा में समाए हुए हैं। कोई बिछड़ा हुआ आ जाए तो कितनी दूर से आके कितने स्नेह से मिलता है, है नहीं? तो ऐसी मोस्ट वेलवेट बात है, उसकी गोद में हम जाकर समा, और यहाँ की शुद्ध बुद्ध गायब तो वही हमारा क्या है, वही तो फरिश्ता रूप है। यहाँ की याद भूल जाए, हम वतन में बाबा के पास, तो नेचुरल रूप में फरिश्ता बनना है। उठते बैठते चलते फिरते हम सदा क्या यहाँ थी, ये तो एक्यूरेट है, सब बना बनाया ड्रामा। जैसे बाबा मिलने, पहले कोई बच्चा बाबा से मिलने आता था ना, तो बाबा पूछते थे कल आप पहले कब मिले थे, तो बाबा बच्चे क्या बोलते थे, हाँ बाबा कल आप पहले भी मिले थे। क्योंकि ये ड्रामा कैसा है, एक्यूरेट है, बना बनाया, हूबहू रिपीट होता है, रू रू को देख रही, रू रू से बोल रही और आत्मा आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही, सब कुछ फिक्स है। तो इसको देखते हुए न देख, अपनी नज़र किसके साइड में केंद्रित करें, एक परम पिता परमात्मा, वही यहाँ नहीं, ठीक है ना? अभी भाई साहब आ गए हैं, ठीक, हम फिर आगे मिलेंगे, ठीक, ओम शांति।